हेलो व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में एक नए कंटेंट को आपके साथ शेयर करने के लिए आया हूँ, जिसमें हम आज जानेंगे कि कैसे आप अपने डेटा को शो और हाइड कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली बिना किसी कमांड बटन के। दैट मीन्स यू कैन डू योर डेटा शो और हाइड विदाउट यूजिंग एनी कमांड बटन। तो दोस्तों, मेरा नाम है सौमित्र देवनाथ और आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ मेरे चैनल ग्रो योर नॉलेज पे, जिसमें मैं आपके एक्सेल रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के साथ साथ उससे रिलेटेड फॉर्मेट या फिर सॉफ्टवेयर भी आपके लिए अवेलेबल कर पाता हूँ, जिससे कि आप डिस्क्रिप्शन से फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आप वीडियो में बने रहिए और अपने नॉलेज को ग्रो करिए। तो चलिए आज के टॉपिक को फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, फाइल को ओपन कर लेते हैं। अब जो मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे आप इंटरफेस देख पा रहे हैं, ये एक्चुअली नॉर्मल सा एक कैलकुलेशन फॉर्मेट है, जिसमें आप सबसे पहली पार्टी, चार पार्टी हैं एक्चुअली, ये चार डीलर हैं जो कि ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की सप्लाई करते हैं, और मेरा इन चार पार्टियों से ही रेट कॉन्ट्रैक्ट है, और रेट कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे मैंने चारों पार्टियों का मैंने एक छोटा सा कैलकुलेशन शीट मैंने यहाँ पे एक एक्सेल शीट में मैंने बनाया है, जिसमें मैं जब भी मैं इन पार्टियों से रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं ऑक्सीजन सिलेंडर रिसीव करता हूं, तो उनका मैं ऑक्सीजन सिलेंडर के क्वांटिटी बेस पे मैं उनका टैक्स के साथ साथ उनका टोटल अमाउंट कैलकुलेट करता हूं, और उसे पार्टी के इनवॉइस से टैली करके देन उसे पेमेंट प्रोसेस के लिए फाइनलाइज करता हूं। ठीक है, पहली जो पार्टी वो शिव शक्ति गैसेस है। शिव शक्ति गैसेस से मेरा जिन सिलेंडर्स के लिए रेट कॉन्टेक्ट हुआ है वो है आपका ऑक्सीजन सिलेंडर 7 kg, और ऑक्सीजन सिलेंडर 1.5 kg, 1 kg, और ड्राई कंप्रेसर एयर सिलेंडर के लिए 7 kg, और कार्बन डाइऑक्साइड रिफिलिंग गैस के लिए आपका कॉन्टेक्ट हुआ है। देन आपका नाइट्रस ऑक्साइड 17,000 liters के लिए आपका रेट कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड हुआ है। उसी तरह से बाकी पार्टियाँ, जैसे सेकेंड है आपका रेन गैसेस एजेंसी में ऑक्सीजन सिलेंडर है ट्राई कंप्रेसर एयर सिलेंडर के लिए, और प्लस आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिफिलिंग गैस के लिए रेट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। थर्ड पार्टी आपका गुरु नानक एजेंसी, इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर और कंप्रेसर कार्बन डाइऑक्साइड रिफिलिंग गैस के लिए रेट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। फोर्थ आपका मसी ऑक्सीजन कंपनी है, इसके साथ भी ऑक्सीजन सिलेंडर और कार्बन डाइऑक्साइड रिफिलिंग गैस के लिए रेट कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड हुआ है। यानी कि आपका ई कॉलम में आपका सिलेंडर टाइप लिखा हुआ है, एफ कॉलम में आपका क्वांटिटी लिखा हुआ है, जी कॉलम में उसका रेट लिखा हुआ है, एच कॉलम में टैक्स अमाउंट लिखा है, जो कि आपका आई कॉलम में टैक्स बेस पे आपका टैक्स अमाउंट आएगा, देन जी कॉलम में टोटल अमाउंट आपका आएगा। और इस तरह से इन चारों पार्टियों द्वारा पर डे हमें सिलेंडर्स की डिलीवरी की जाती है, और इस सीट पे मैं उन सिलेंडर्स की क्वांटिटी पुटअप करके टोटल पेबल अमाउंट में निकालता हूँ। तो मान लीजिए कि आज के डेट में चारों पार्टियों द्वारा जो गैस सिलेंडर हमें डिलीवर्ड किया गया है, उसकी क्वांटिटी मैं एक बार डेमो के तौर पे आपको मैं फिलअप करके दिखा रहा हूँ। जैसे सबसे पहले शिव शक्ति गैसेस ने, मान लीजिए ऑक्सीजन सिलेंडर 7 kg के 32 है, 1.5 kg का 25, और ड्राई कंप्रेसर एयर सिलेंडर मान लीजिए 4 है, कार्बन डाइऑक्साइड रिफिलिंग गैसेस 45 मान लीजिए, और नाइट्रस ऑक्साइड 1 है। तो इस बेस पे जो शिव शक्ति का जो पेबल अमाउंट है वो 17,989.8 का हुआ। ठीक है, उसी तरह से रहीम का मान लीजिए 34 उसने डिवाइड किया, 7 kg का 1.5 kg नहीं किया, 1 kg का मान लीजिए 25 है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिफिलिंग गैसेस आपका 35 मान लीजिए। ठीक है, तो इसका बन रहा है आपका पेबल अमाउंट 9,449। देन गुरु कृपा का भी उसने डिलीवर्ड किया है ऑक्सीजन सिलेंडर 7 kg का 27, 1.5 kg का इसने डिलीवर्ड किया है 7, ओके, और ऑक्सीजन सिलेंडर आपका 6 kg का आपका 5 डिलीवर्ड किया है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिफिलिंग गैस आपका 24 उसने डिलीवर्ड किया है। ओके, देन उसी तरह से मसी भी मान लीजिए आपका 7 kg का उसने डिलीवर्ड किया है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिफिलिंग गैसेस जो है उसने 36 kg का क्वांटिटी उसने डिलीवर्ड किया है। तो इस बेस पे चारों पार्टियों को जो पेबल अमाउंट आप देख रहे हैं जी कॉलम में देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैं डेली इनके रेट को बेस पे मैं इनका अमाउंट को डिसाइड करता हूँ और इनका पेबल अमाउंट में निकालता हूँ। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन
यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आता है दोस्तों कि अब दोबारा जब ये, क्योंकि पर डे इनका एक से दो स्लॉट में सिलेंडर डिलीवर्ड होता है, तो सेकेंड स्लॉट में जब ये डिलीवर्ड करते हैं तो मैं फिर से इसमें फिलअप करूँगा दोबारा क्वांटिटी, ओके। लेकिन जब शिव शक्ति गैसेस ने दोबारा मुझे सिलेंडर डिलीवर्ड किया, इस बार उसने ऑक्सीजन सिलेंडर 7 kg का 12 क्वांटिटी में 1.5 kg उसने नहीं सेंड किया, ड्राई कंप्रेसर उसने नहीं सेंड किया, कार्बन डाइऑक्साइड रिफिलिंग गैसेस उसने 23 किया और नाइट्रस ऑक्साइड उसने सेंड नहीं किया, तो इस बेस पे उसका जो पेबल अमाउंट हो रहा है वो हो रहा है 3099 rupees का। लेकिन दोस्तों मैंने बाई मिस्टेकली 9449 का अमाउंट नोट कर लिया, यानी कि मुझसे ये गलती हो गई कि मुझे 3099 जो अमाउंट पेबल अमाउंट मुझे नोट करना था, मैंने गलती से 9449 मैंने नोट करके पेमेंट फाइनलाइज कर दिया, और इस मिस्टेक की वजह से मुझे कैश का लॉस हुआ और इसे फाइंड आउट करने में मुझे कई दिन लग गए। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्या ये पॉसिबल है कि मैं जब अगर शिव शक्ति गैसेस का अमाउंट को मैं नोट करूं तो बाकी पार्टियों का अमाउंट वो इरेज हो जाए या फिर वो हाइड हो जाए, कुछ ऐसा ऑप्शन हो सकता है? हाँ, ऐसा पॉसिबल है। अब मैं अपनी सेकेंड सीट पे आता हूं, सो एंड हाइड वाला सीट पे, ठीक है। और इस सीट पे भी सेम डेटा है, और टॉप में आप सबसे पहले जो ऑप्शन दिख रहा है, सिक्योरिटी वार्निंग दिख रही है, मैक्रो हैज बीन डिसेबल्ड, क्योंकि ये फाइल मैक्रो बेस्ड फाइल है, इस पर वीवी कोडिंग की गई है, इसलिए इसे आपको सबसे पहले इनेबल दिस कंटेंट में टिक करके ओके करना होगा, ओके। तब जाके बैक एंड में जो भी आपने वीवी कोडिंग किया वो अब एक्टिव मोड में आ गया है, ठीक है। अब मैं आता हूँ यहाँ सीट पर, यहाँ आप देखेंगे शिव शक्ति गैसेस का ऑलरेडी क्वान्टिटी डाल दिया गया है और उस बेस पे उसका रेट डिसाइड हो चुका है 28,180, ओके। अब सेकेंड जब रहीम गैसेस एजेंसी ने मुझे सिलेंडर डिलीवर किया, अब मैं जब उसका रेट डिसाइड कर रहा हूँ, मतलब अमाउंट डिसाइड कर रहा हूँ उसकी, तब पे करना है, तो आप देखेंगे कि जैसे ही मैं रहीम गैसेस एजेंसी के कैलकुलेशन एरिया में मैंने कर्सर को रखा, आपका शिव शक्ति गैसेस का जो कैलकुलेशन एरिया है वो इरेज या हाइड हो चुका है। एक्चुअली वो हाइड मैंने किया है, इरेज मैंने नहीं किया है, वो हाइड हो चुका है, इनविजिबल हो चुका है, ठीक है। उसी तरह से अगर मान लीजिए रहीम गैसेस एजेंसी का भी आपने रेट लिख के और उसका अमाउंट फाइनलाइज कर दिया 6,212, ठीक है, देन उसके बाद गुरु कृपा ने भी अगर सिलेंडर उसने मुझे सेंड किया है, तो अब आप देखेंगे कि टॉप के शिव और रहीम दोनों के ही कैलकुलेशन एरिया हाइड हो चुके हैं। अब आपका सिर्फ ओपन में गुरु नानक ऑक्सीजन कंपनी का जो रेट और अमाउंट है वो ओपन हो चुका है। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप किसी भी पार्टी का आपकी सीट पे आप रेट डिसाइड करेंगे तो आपके बाकी पार्टियों का जो कैलकुलेशन एरिया है वो हाइड हो चुका रहेगा। देखिए, मैं जैसे गुरु नानक में मैंने क्लिक किया तो उसका रेट अमाउंट सब ओपन हो चुका है, रहीम को अगर मैं करता हूँ तो देखिए बाकी पार्टियों का हाइड हो चुका है, लेकिन रहीम का आपका रेट और अमाउंट वो ओपन हो चुका है। कहने का मतलब कि इससे आपका दूसरे पार्टियों के अमाउंट को बायोमेस्टिकली नोट कर लेना, वो एरर आपका ख़त्म हो जाएगा। मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैंने शिव शक्ति गैसेस का मैंने रेट लिखा, अमाउंट डिसाइड हुआ, तो बाकी पार्टियों का जो है वो आपका अमाउंट और रेट वो हाइड हो चुका है। तो ये सीट इस तरह से प्रिपेयर किया गया है, ठीक है। तो इस सीट के पीछे जो मैंने वीवीए कोडिंग किया है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। वीवीए कोडिंग देखने के लिए आपको ऑल्ट F11 प्रेस करना होगा, इससे आपका एक विंडो ओपन हो जाएगा जो कि वीवीए कोडिंग से रिलेटेड एक विंडो है जिसपे आप वीवीए कोडिंग करते हैं। तो ये आप राइट साइड में पूरा कोडिंग आप देख पा रहे हैं जिसके बीच पे ये प्रोग्राम रन कर रहा है, ठीक है। और ये प्रोग्राम रन कैसे कर रहा है, टॉप में आप देखेंगे प्राइवेट शर्प वर्कशीट सिलेक्शन चेंज का जो ऑप्शन है वो मैंने यूज़ किया है, यानी कि जब भी कर्सर सिलेक्शन चेंज होगा, सिलेक्शन चेंज मीन कर्सर अगर एक सेल से दूसरे सेल में अगर जा रहा है तो ये प्रोग्राम रन करेगा,
तो इसका बेनिफिट ये है कि इसमें आपको अलग से कोई कमांड बटन का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ये कोड रन कर रहा है। ठीक है, मैं फिर से आपको कोड दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा राइट साइड में, और इस कोड को मैं अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों इसके लॉजिक को हम समझ लेते हैं, इसमें क्या लॉजिक इस्तेमाल किया गया है। तो लॉजिक सिंपल है, जब भी मैं इन चार पार्टियों के कैलकुलेशन एरिया में जब भी मैं क्वांटिटी फिलअप करूँगा, कंप्यूटर बाकी के जो पार्टियों का कैलकुलेशन एरिया है उसके जो वैल्यूज़ है उसको हाइड कर देगा। ठीक है, जैसे कि मैं अगर शिव शक्ति गैसेस एजेंसी की कैलकुलेशन एरिया में अगर कुछ वर्क करता हूँ, तो बाकी के जो पार्टी हैं जैसे रहीम गैसेस एजेंसी, गुरुकृपा ऑक्सीजन और मसी ऑक्सीजन कंपनी, उसके कैलकुलेशन एरिया में जो वैल्यूज हैं वो हाइड कर देगा। ठीक, लॉजिक इस्तेमाल किया गया। ठीक है, अब हम आते हैं कोड पे। अब हमें इस लॉजिक के थ्रू कंप्यूटर को वीवीए कोडिंग के द्वारा ये समझाना है कि शिव शक्ति गैसेस का अपना रेंज एरिया क्या है, रहीम गैसेस एजेंसी का अपना रेंज एरिया क्या है, गुरु नानक ऑक्सीजन कंपनी का अपना रेंज एरिया क्या है, मसी ऑक्सीजन कंपनी का रेंज एरिया क्या है। ठीक है, इसे हमें कंप्यूटर को वीवीए कोडिंग के थ्रू एक्सप्लेन करना होगा, समझाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों राइट साइड पे विंडो में जो कोडिंग इस्तेमाल किया गया है, मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ। SLCT मीन्स मैंने सेलेक्ट को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, सेलेक्ट इज इक्वल टू सेलेक्शन डॉट रो। सेलेक्शन डॉट रो क्या करता है दोस्तों, जैसे आप किसी सीट सेल पे इज इक्वल टू रो ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज देन इंटर करते हैं, तो आपको रो फॉर्मूला क्या करता है, रो फॉर्मूला आपको उस सेल का रो नंबर देता है। ठीक है, उसी तरह से इज इक्वल टू कॉलम ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज देन इंटर, उसी तरह से कॉलम फॉर्मूला क्या करता है दोस्तों, आपको उस सेल का वो सेल किस कॉलम नंबर पे है, इन कॉलम पे है उसका इंडेक्स वैल्यू देता है, यानी रो और कॉलम फॉर्मूला आपको एक इंडेक्स वैल्यू प्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सी कॉलम पे 13 रो पे आपका रो फॉर्मूला का मैंने इस्तेमाल किया है, जो कि हमें बता रहे हैं कि वो 13 नंबर का रो है। ठीक है, देन आपका जो मैंने 14th रो पे मैंने सी कॉलम पे कॉलम फार्मूला का इस्तेमाल किया है, वो ये बता रहा है कि हम अभी थर्ड नंबर कॉलम पे वो फार्मूला इस्तेमाल किया गया, थर्ड नंबर कॉलम पे सिलेक्शन है। ठीक है, तो हमें रो और कॉलम फार्मूला इंडेक्स वैल्यू प्रेजेंट करता है। उसी तरह से हम वीवीए कोडिंग में सिलेक्शन डॉट रो के थ्रू हम रो नंबर लाएंगे, यानी यहाँ पे मैंने जो सिलेक्शन डॉट रो लिखा है, सिलेक्शन मीन्स जो सेल सेलेक्ट है उसका रो नंबर, और सिलेक्शन डॉट कॉलम क्या कर रहा है मुझे, जो सेल सेलेक्ट है उसका कॉलम नंबर दे रहा है, और उन दोनों ही फॉर्मूले को मैंने एंड सेंड से ज्वाइन किया है। ठीक है, इसे मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब हम आते हैं सीट वन पे, यहाँ पे मैंने कुछ कॉलम को हाइड किया था, इसे मैं अनहाइड करता हूँ। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि लेफ्ट साइड में सेम फॉर्मेट है, चार पार्टियाँ हैं और उनका कैलकुलेशन एरिया अपना है, और राइट साइड में आप देखेंगे कि उस एरिया का जो रो नंबर और कॉलम नंबर है उसको मैंने ज्वाइन कर दिया है। दोस्तों मैं यहाँ पे एक सेल को सेलेक्ट करके मैं आपको एक फॉर्मूला दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने रो एंड कॉलम फॉर्मूला को एंड साइड से ज्वाइन करके मैंने यहाँ पे एक यूनिक सेल नंबर मैंने निकाले, यानी कि ये इसका एक तरह से रेफरेंस नंबर है, यानी कि मैं यहाँ पे जैसे ही मैं सेलेक्ट करूँगा, आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया राइट साइड में आप देखेंगे तो 56 रेड कलर में हाईलाइट हो गया है, यानी कि ये जो सेल है इस सेल का रो और कॉलम नंबर 5 और 6 है, जिसे मैंने ज्वाइन करके एक यूनिक नंबर बना दिया है, यानी कि इस सेल का जो नंबर है वो 56 नंबर है। देन मैं किसी और सेल पे अगर सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे कि जिस जो सेल अभी सेलेक्ट है वो उसका जो यूनिक नंबर अब क्रिएट हुआ है वो है 1610, यानी कि राइट साइड में आप देख सकते हैं कि मैं जो भी सेल पे सेलेक्ट करूँगा राइट साइड में आप उसका रो नंबर उसका यूनिक नंबर आप राइट साइड में आप देख सकते हैं। जैसे जो सेलेक्टेड सेल है उसका नंबर है 248 आप देख पा रहे हैं,
और उसी तरह से मैं अब जो सेलेक्ट मैंने सेल किया है उसका नंबर है 375, यानी मैंने पर्टिकुलर सेल का एक यूनिक कोड नंबर मैंने क्रिएट कर लिया है, जिसके थ्रू मैं अब कंप्यूटर को एक्सप्लेन करूंगा कि वो समझे कि शिव शक्ति गैसेस का अपना एरिया क्या है, रहीम गैसेस का अपना एरिया क्या है, गुरु कृपा का अपना एरिया क्या है और मसीह का अपना एरिया क्या है। इससे अब मैं कंपेयर करूंगा कोड के थ्रू। मैं इसे थोड़ा साइड कर देता हूं। अब हम दोस्तों साइड में कोड को भी ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये राइट साइड में अब हमने कोड को भी ओपन कर लिया है। अब मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूं। SLCT हमारा एक वेरिएबल है जिसमें आपका रो और कॉलम नंबर स्टोर हो रहा है। जैसे कि मैंने सीट में एक्सप्लेन किया कि पर्टिकुलर सेल का एक यूनिक कोड नंबर है, वो आपका SLCT वेरिएबल पे स्टोर हो रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट मैंने फॉर लूप का इस्तेमाल किया है, जिसके स्टार्टिंग आप टॉप में देख रहे हैं फॉर और एंडिंग जो है लास्ट में हुआ है, ठीक है। इसमें मैंने वेरिएबल सी मीन्स कॉलम को मैंने शॉर्ट फॉर्म में सी लिखा है, जो कि इस लूप को 5 to 11 टाइम तक चलाएगा। क्यों चलाएगा? आप यहाँ ध्यान देंगे कि जो मैंने कैलकुलेशन सीट का इस्तेमाल किया है वो है मेरा ई से लेकर के तक, यानी ई हमारा फिफ्थ नंबर कॉलम है। तो यानी 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी हमारा जो वर्किंग एरिया है वो 5 to 11 कॉलम पे ही वर्क हो रहा है। इसलिए मैंने यहाँ पे कॉलम जो है, कॉलम का जो अपना लूप है वो 5 to 11 टाइम तक मैंने चलाया है, ठीक है। हम नेक्स्ट आते हैं फॉर लूप। उस फॉर लूप के अंदर मैंने 4 फॉर लूप का इस्तेमाल किया है और उसमें मैंने वेरिएबल इस्तेमाल किया आर। आर फॉर मेरा रो नंबर से है, ठीक है। रो को मैंने शॉर्ट फॉर्म में आर लिखा है। यहाँ पे सबसे पहला जो लूप है जिसे मैं सेलेक्ट करके आपको बताता हूँ, ये मेरा जो फॉर लूप के अंदर जो मैंने फॉर लूप 4 इस्तेमाल किया उसमें से सबसे पहला जो फॉर लूप है उसे मैंने 1 to 10 टाइम तक मैंने चलाया है। 1 to 10 टाइम तक क्यों दोस्तों? क्योंकि आप यहाँ ध्यान देंगे सीट में कि शिव शक्ति गैसेस का 1 to 10 रो तक कैलकुलेशन एरिया है, ओके। देन आपका रहीम गैसेस एजेंसी का 11 to 19, यानी कि सेकेंड जो फॉर लूप है वो आपका 11 to 19 तक चलेगा। और थर्ड आपका ध्यान देंगे तो 20 to 28, यहाँ पे यहाँ देखिए 20 to 28, और नेक्स्ट आपका है 29 to 37 आपका मसी ऑक्सीजन कंपनी का कैलकुलेशन एरिया है। और सेम उसी का ही फॉर लूप मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया उसके लिए 29 to 37 ना। तो पर्टिकुलर आपका पार्टियों का जो कैलकुलेशन एरिया है वो आपका इस रो लूप के थ्रू, रो लूप के थ्रू मैं कंप्यूटर को एक्सप्लेन करूँगा। वो कैसे? सबसे पहले इस कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। देन मैं एक नया कोड लिखता हूँ, ठीक है दोस्तों। अगर आप वीवी कोडिंग करते हैं तो आपके लिए समझना आसान होगा, लेकिन जो बिगिनर्स हैं, जो पहली बार कोडिंग देख रहे हैं, उन्हें भी ये समझ आए, इस वजह से मैंने अलग से इसको कोड को मैंने पेस्ट किया है। तो बिगिनर्स के लिए ये है कि सबसे पहले जब भी आप वीवी कोडिंग करते हैं तो आपको स्टार्टिंग सब से करना होता है, यानी सब मीन सब रूटीन, उसे हम सब को शॉर्ट में हम सब लिखते हैं SUB। देन उसके बाद आपको उसका टाइटल लिखना होता है। जो भी आप वीवी कोडिंग करते हैं आप कुछ भी टाइटल लिख सकते हैं विदाउट स्पेस के, ठीक है। तो मैंने जस्ट एक टेस्ट लिखा है और उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज मैंने किया, और इस सब को हमें एंड भी करना होता है, ठीक है। एंड सब करके एंड करना होता है एंड से, और इसके बीच में ही हमें कोड को लिखना होता है, जिसे कि मैंने अभी जस्ट पेस्ट किया है, ठीक है। अब मैं इसे स्टेप बाय स्टेप आपको मैं एक्सप्लेन करूँ कि कैसे ये कोड रन कर रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए सबसे पहले मैं सीट पे एक सेल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। जो सेल सेलेक्ट है आप देखेंगे कि उस सेल का जो कोड नंबर वो 36 है, ठीक है। अब मैं कोड पे आता हूँ।
अब कोड को हमें स्टेप बाय स्टेप रन कराने के लिए आप कंप्यूटर का शॉर्टकट की जो है वो F8 है। जैसे दोस्तों मैं कीबोर्ड से F8 प्रेस करूंगा, कंप्यूटर कोड को रन करना स्टार्ट कर देगा। अभी आप देखेंगे कि वो सब को चेक कर रहा है, यहाँ पे येलो में हाईलाइट है जो, उसने अभी सब को चेक किया। देन में F8 फिर से मैंने प्रेस किया तो वो अब कोड के अंदर इंटर कर चुका है। इंटर करने के बाद आप देखेंगे SLCT पे अभी कोई भी वैल्यू नहीं है, वो अभी एम्प्टी है। लेकिन जैसे ही मैं F8 प्रेस करता हूँ तो SLCT पे आप देखेंगे कि 36 वैल्यू स्टोर हो चुका है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे सीट पे कि जो सेल सेलेक्ट है उसका जो कोड वैल्यू है, जो कि मैंने रो कॉलम बेस पे मैंने 36 यहाँ शो हो रहा है, वो आपका 30 SLCT पे स्टोर हो चुका है। देन वो फॉर कंडीशन पे आएगा, फिर मैं F8 प्रेस करूँगा, फिर वो नेक्स्ट फॉर लूप में आएगा, नेक्स्ट फिर वो इफ कंडीशन को चेक करेगा जिसमें वो 36 इज इक्वल टू R एंड C। R यानी R पे वेरिएबल पे जो वैल्यू अभी स्टोर है वो 1 है और C पे जो स्टोर है वैल्यू वो 5 है, यानी 1 एंड 5 यानी 15, यानी कि 36 इज इक्वल टू 15। ये गलत होने की वजह से वो फिर से सेकेंड स्टेप में आएगा। सेकेंड स्टेप यानी कि ये लूप आपका 1 to 10 टाइम तक चलेगा। ये तब तक चलेगा जब तक कि कंडीशन आपका ट्रू ना हो, ठीक है। तो 36 होने का कंडीशन कब हो सकता है, यहाँ पे लॉजिकली मैं ये बता दूँ कि जो 36 है, 36 का 3 जो है वो रो है, रो नंबर है, यानी कि यहाँ पे 1 to 10 के अंदर जो रो नंबर है वो आपका 3 आएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रो नंबर पे 3 आएगा, क्योंकि थर्ड टाइम जब ये लूप चलेगा तो रो ऑटोमेटिक आर आपका 3 हो जाएगा। लेकिन 6 यानी कि जो हमारा कॉलम नंबर है, कॉलम नंबर 6 होने के कंडीशन इसमें अभी गुंजाइश नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी जो 6 है वो 5 है, 5 होने की वजह से ये अगर 10 टाइम तक लूप तो चलेगा लेकिन इसको कंडीशन उसे ट्रू नहीं मिलने की वजह से वो बाहर आ जाएगा। मैं आपको स्पीडली करके दिखाता हूँ। मैं F8 प्रेस मैंने किया, प्रेस करके रखा है मैंने, ध्यान देंगे कि वो इस लूप के अंदर इंटर ही नहीं कर पाया क्योंकि इफ कंडीशन उसे ट्रू नहीं मिल पाया। फिर वो सेकेंड लूप में आएगा, सेकेंड लूप में भी आपको समझा दूँ कि इसमें 36 होने की गुंजाइश है या नहीं, नहीं है। क्यों दोस्तों? क्योंकि इसमें जो रो की स्टार्टिंग वो 11 से है और हमें यहाँ पे SLCT में जो पहला जो 3 नंबर है, रो नंबर है, वो 3 होना चाहिए। तो यानी जाहिर सी बात है कि इस सेकेंड लूप में भी R का 3 होने की गुंजाइश है ही नहीं। तो इस लूप में भी मैं F8 में प्रेस करके रखता हूँ तो ये लूप भी आपका फॉल्स होने की वजह से वो लूप से बाहर आ गया। थर्ड में भी मैं आपको बता दूँ कि इसमें भी रो नंबर 3 होने की गुंजाइश नहीं है, इस वजह से ये F8 मैं प्रेस करके रखता हूँ। आप देखिए, ध्यान देंगे कि ट्रू नहीं होने की वजह से कंडीशन वो अंदर एंटर नहीं कर पाया। फोर्थ में भी सेम है, R का 3 होने की गुंजाइश तो है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर भी मैं F8 प्रेस करता हूँ और ये भी इस लूप से बाहर आ गया। ध्यान देंगे, बाहर आने के बाद अब जो कॉलम नंबर है वो आपका 6 हो चुका है, यानी कि जो आपका जो मेन जो फॉर लूप है वो 5 टू 11 टाइम तक चलेगा। तो सबसे पहला जो 5 टाइम तक वो रोटेट हुआ है उसमें कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होने की वजह से वो लूप से बाहर आता गया। अब सेकेंड टाइम में अब कॉलम नंबर 6 है। ध्यान देंगे दोस्तों, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि कॉलम नंबर 6 है, क्योंकि यहाँ पे जो जॉइंट हुआ है उसका रो नंबर 3 है, कॉलम नंबर 6 है। तो यहाँ पे अब कोई ना कोई कंडीशन रो का ट्रू होने के चांसेस है क्योंकि कॉलम नंबर यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब आपको F8 प्रेस करता हूँ। यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों कि जो आपका कॉलम नंबर है वो 6 है, तो इसका एक कंडीशन तो ट्रू हुआ दोस्तों कि 6 है, और जो अपना रो नंबर 3 है, 3 होने की गुंजाइश तब होगा जब ये थर्ड टाइम रोटेट करेगा। तो मैं थोड़ा इसे फास्ट कर देता हूँ, ये अभी 2 पे है, अब कंडीशन 3 पे आ चुका है दोस्तों। ध्यान देंगे दोस्तों कि यहाँ पे SLCT 36 है और R भी 3 है और C भी 6 है, यानी कि ये कंडीशन ट्रू होने की वजह से ये लूप अब इंटर कर गया।
ट्रू कंडीशन होने की वजह से लूप इंटर कर गया, और लूप इंटर जब कंडीशन इंटर कर गया तो यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट रेंज SSG, मैंने क्यों ऐसा लिखा है यहाँ पे, यहाँ पे दोस्तों मैंने जो इस रेंज का जो नाम दिया है, मैंने यहाँ पे जो एरिया सेलेक्ट किया उसका नाम मैंने यहाँ पे दिया है, सॉरी दोस्तों मैं एक्चुअली इस सीट पे मुझे दिखाना चाहिए, इस सीट पे जो मैंने नाम दिया है इस सेलेक्टेड एरिया का उसका नाम है SSG मैंने दिया है। क्यों? क्योंकि शिव शक्ति गैसेस का शॉर्ट फॉर्म मैंने SSG दिया है। उसी तरह से इतने एरिया जो मेरा सेलेक्ट है उस रेंज का मैंने नाम दिया है RGA यानी रहीम गैसेस एजेंसी। उसी तरह से मैंने थर्ड जो अपना पार्टी है गुरु नानक ऑक्सीजन कंपनी का सेलेक्टेड रेंज एरिया का जो नाम मैंने दिया है GOC दिया है। उसी तरह से मसी ऑक्सीजन कंपनी का मैंने MOC दिया है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जो रेंज एरिया है, मैं कंप्यूटर को कह रहा हूँ कि ट्रू कंडीशन होने पर एप्लीकेशन डॉट रेंज, रेंज है ये मेरा SSG डॉट फॉन्ट, यानी कि इस रेंज में जो फॉन्ट है डॉट कलर इंडेक्स, उस फॉन्ट का जो कलर इंडेक्स है वो जीरो कर दो आप, SSG का जो एरिया है, ठीक है। जीरो मीन्स दोस्तों ब्लैक कलर है ना, यानी कि इस रेंज में जो फॉन्ट का कलर है वो ब्लैक हो जाए, ओके। बाकी के जो तीन रेंज है, यहाँ पे मैं फिर से F8 प्रेस करता हूँ तो सेकेंड वो जो उसे रेंज मिला है RGA मीन्स रहीम गैसेस एजेंसी, यानी रहीम गैसेस एजेंसी और गुरु कृपा ऑक्सीजन कंपनी और MOC मीन्स मसी ऑक्सीजन कंपनी, ये तीनों ही बाकी के जो रेंज एरिया है उसमें जो फॉन्ट का कलर है वो दो कर दे, दो मीन्स आपका दो इन द सेंस आपका वाइट कलर। यहाँ पे आप देखेंगे कलर इंडेक्स में दो आपका वाइट कलर शो हो रहा है, दो मीन्स वाइट कलर कर दे, ठीक है। तो इसी तरह से दोस्तों कंप्यूटर आगे भी कंडीशन को चेक करते हुए अगर उसे कंडीशन ट्रू मिलता है तो वो उस पर जो हमने रूल अप्लाई करने के लिए कहा है, यानी कि रेंज एरिया में जो फॉन्ट का कलर है वो ब्लैक करे या फिर वाइट करे, तो वो सिचुएशन सही होने पर वो उस रूल को वो अप्लाई करेगा। यानी कि जैसे ही आप किसी पार्टी के रेंज एरिया में आपका कर्सर आता है तो वो उस रेंज एरिए का कलर, जो फॉन्ट का कलर रेंज एरिए में जो फॉन्ट है उसका कलर वो ब्लैक कर देगा और बाकी पार्टी का फॉन्ट का कलर वो वाइट कर देगा, ठीक है दोस्तों। तो ये फॉर्मूला इस तरह से आपका वर्क करता है। तो इसी तरह से दोस्तों आप अपने एक्सेल फाइल में इस तरह के VBA कोडिंग का इस्तेमाल करके डेटा को शो या हाइड कर सकते हैं और अपने काम को आसान बना सकते हैं। और दोस्तों मैं इस फाइल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसे प्रैक्टिस के तौर पे फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपने ज़रूर कुछ नॉलेज गेन किया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ दोस्तों मेरे वीडियोस को लाइक शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं आगे भी नए कंटेंट के साथ आपकी नॉलेज को ग्रो कर सकूँ। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए और अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक आप खुश रहिए और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखिए। धन्यवाद।